हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो एक्सेल की है और एक्सेल में क्या नया है आइए दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कभी कभी इस तरह की सिचुएशन दे दी जाती है कि 50 रुपये हैं और 50 रुपये का 50% या 50 नंबर हैं या जो भी इस तरह का कोई भी आपके पास डिटेल हो उसमें आपको दे दिया जाता है कि इसका इतना परसेंट क्या होगा। तो ऐसे में कन्फ्यूज़न होती है कभी भी इसको कैलकुलेट करने में। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या, इक्वल्स टू का साइन लगाना है और सीधे सीधे उस अमाउंट को सेलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटेज से, तो उसका 50% या जो भी हो वो कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाता है। ठीक है, अब जैसे 50% नहीं चाहिए था, सिर्फ 5% ही चाहिए हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिक रिजल्ट चेंज हो जाएगा। देखिए ये चेंज हो जा रहा है, लेकिन दिक्कत तो तब होती है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 200 नंबर का पेपर हुआ और 200 में कोई 50 नंबर पाया तो ये कितना परसेंट पाया हुआ है ये कैलकुलेट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जो अमाउंट प्राप्त किया है उसको सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से, और 200 से डिवाइड कर देना, क्योंकि 200 नंबर का ये पूरा पेपर हुआ था। इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 25% आ गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब यहाँ से चीज़ें चेंज होंगी तो वहाँ से भी चेंज होती चली जाएंगी। जैसे 70 नंबर पाया तो 35% हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर अगर आपको सपोज कीजिए कि 70% कैलकुलेट करना है तो बस यहाँ 70% लिख दीजिए, आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 70% आ गया। ठीक है, 50 का जो 70% है वो 35 मार्क्स होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर बात करें 90% की तो 50 का 90% कितना हुआ, तो यहाँ बस आप 90% कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आ गया 50 का 90% जो है 45 मार्क्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी।